अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज हम बनाएंगे चने की दाल की हलवा। स्पेशली ये सब बारात की मौके पे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने लिए चना की दाल और इसे मैंने लगभग मैंने 5 से 7 घंटे के करीब मैंने इसे भिगो करके रखी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध, अगर देखा जाए तो 1/2 लीटर के करीब, आसपास थोड़ी बहुत कम पर 1/2 लीटर ही दूध है। और चने की दाल भी हमारी 1/2 kg ही है, तो फूलने के बाद वो डबल हो जाते हैं। तो देखिए हमारी इस तरीके से दूध पानी आप पानी से बना सकते हैं, पर दूध में ज़्यादा बेहतर और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम 2 सीटी लगाने तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। 2 सीटी हमारी लग गई है और दाल देखिए बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर इस तरह से आप फुला करके दाल को बनाएंगे ना, तो बहुत ही जल्दी दाल कुक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी बचत होती है। तो इस तरह से हम एक बड़ा सा सेनी ले लेंगे और इसमें हम सारे दाल को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी होगी, क्योंकि हम इसे पीसेंगे। तो इसे हम पंखा के नीचे रख देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं जब तक हम ये ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो मैंने ली हूँ नारियल यानी कोकोनट, काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश मैंने ली हूँ। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है या फिर आपको जो ना पसंद हो उसे आप हटा भी सकते हैं, तो आपको जो पसंद है वो ऐड कीजिए। तो इस तरीके से हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए हम इतना काट लिए हैं और थोड़ी सी नारियल को मैंने कद्दूकस कर ली हूँ, इसकी भी फ्लेवर अच्छी लगती है मुझे। अभी इसे हम ठंडी हो गई है तो हम ग्राइंडर में थोड़े थोड़े करके एक दरदरा सा चने की दाल को हम पीस लेते हैं। चलिए हम पीस करके मिलते हैं। ये देखिए हमारी सारे की सारी पीस गई है और देखिए ये कुछ इस तरह से है। ये ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं है और बिल्कुल दरदरा भी नहीं है, पर हाँ है थोड़ी सी दरदरा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भूजना है। अब इसे हम लेंगे देसी घी, आप चाहे तो डलडा में भी बना सकते हैं, पर सबे बारात के मौके पे घी में ही बनाए जाते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब घी और इसमें हम फ्राई करेंगे यानी भूजेंगे चने की दाल को। तो हम 1/2 1/2 करके भूजते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो एक बार में नहीं भूजेगी। तो इस तरह से हम चलाते हुए लगभग आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे भूजने में। तो इसे हम एक अच्छी सी कलर भी आ जाएगी सुनहरी सी और दूसरी इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी। वो अब तक हम इसे भूजेंगे, दिखाते हैं भूजने के बाद इसकी कलर थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए ये हमारी भूज गई है और ये देखिए पूरी तरह से पानी इसकी जो होती है ड्राई हो गई है, इसकी कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गई है। तो अब चलते हैं फिर से हम कढ़ाई की तरफ। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप यानी 2 कटोरी ले लीजिए या फिर 2 कप ले लीजिए चीनी। मेज़रमेंट हम कप से नहीं कटोरी से ही रखे हैं, अगर आप चाहे तो किसी मेज़रमेंट अगर आपके घर में है तो आप उससे बना लीजिए। अब इसमें 2 कटोरी मैंने चीनी ऐड की हूँ और 1 कटोरी मैंने पानी। इससे आपकी परफेक्ट आपकी मीठापन आएगी और ना ही गीला होगी और ना ही कड़ा। तो चलिए इसे हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी इसे चाशनी नहीं बनाना है 1-2 तार का, बस अच्छे से हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं। अभी हमारी चीनी मेल्ट हो गई है तो इसमें 4 से 5 इलायची डाल देंगे और 4 से 5 लौंग डाल देंगे। देखिए हमारी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, अब जो भी ड्राई फ्रूट काट किए हैं ना आप थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। अब थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हम बचा लेंगे। अब इसमें हम वो जो कद्दूकस करके रखे हैं वो भी ऐड कर देते हैं, इसकी भी फ्लेवर बहुत ही मज़े की आती है। अब हम चने की दाल को जो भूज करके रखे हैं वो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, और सारे चने की दाल एक ही साथ ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हम सबको मिक्स करेंगे और इसकी गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और इस पे हम 2 मिनट इस तरह चलाते हुए भूज लेंगे ताकि ये जो पानी चाशनी जो भी है सब सूख जाएंगे। अच्छे से हम हलवे को ड्राई कर लेंगे। तो देखिए हम 2 मिनट तक भूज रहे हैं और 2 मिनट भूजने के बाद हम चलते हैं एक बड़ा सा सेनी फिर से ले लेंगे। इसमें थोड़ी सी हम घी डालेंगे और सारे घी को हम पूरी प्लेट में
लगा लेंगे ताकि हम नीचे से भी अच्छी सी निकल जाएंगे कतली, इसलिए। अब इसमें हम थोड़ी सी नारियल का पुरीदा ऐड करेंगे जो मैंने कद्दूकस के रखी हूँ, उसे हम इस तरह से डालेंगे ताकि दोनों तरफ नारियल की टेस्ट अच्छी आएगी। अब इसे हम जो भी हलवा को भूज करके रखे हैं वो हम ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे और सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद रख दिए हैं, अब इसे हम एक शेप दे देते हैं, गोल सी शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से फैलाते हुए आप एक गोल सी शेप दे दीजिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट जो लिए हैं वो हम ड्राई फ्रूट को इस पर गार्निशिंग कर लेते हैं। अब नारियल का जो तो कद्दूकस के रखे हैं वो भी हम इसी पर लगा देते हैं। इससे इसकी कलर बहुत ही अच्छी आती है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने देखा अक्सर क्या होता है, हलवा बनाने के टाइम काला पड़ जाते हैं हलवा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे चने की दाल का हलवा तो आपको कभी भी काला नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप इतनी अच्छी से अगर भूजेंगे, आपको जितनी अच्छी से भूजेंगी आपके हलवा जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। अब हम इसे एक शेप दे देते हैं। आप चाहे तो एक चार कोना वाली शेप आती है आप वो दे सकते हैं, या फिर एक डायमंड शेप दे सकते हैं। तो मैंने तो एक डायमंड शेप लगाई हूँ। और चलते हैं, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये सेट हो जाएंगे फिर हम इसे सर्व करते हैं। और आप सबके साथ हम दिखाते हैं हमारी हलवा कितनी अच्छी सी परफेक्टली बनी है, ना ही चीनी में कुछ कम है और ना ही सूखी है। कितनी टेस्टी और डिलीशियस हमारी चने की दाल की, स्पेशली शबे बारात की मौके पे आप ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी बनी है और इसे आप 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं रख करके, फ्रिज में रख करके आप महीनों तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।